नमस्कार। पूरा विश्व, पूरा भारत देश आज खेलों में बढ़ती उम्र के खिलाड़ियों के खेलने की समस्या से लेकर परेशान है। अब ये बढ़ती उम्र के खिलाड़ी क्या है? देखिए, बढ़ती उम्र का मतलब यहाँ पर ग्रोइंग एज नहीं है, यहाँ पर ओवर एज है। सभी लोग ओवर एज के खिलाड़ियों से परेशान है। अंडर 14 के एज ग्रुप में 17 के खिलाड़ी खेलते हैं, 17 में 20 के, 20 में 22 के और 22 में 25 के खिलाड़ी खेलते हैं, जिससे होता क्या है कि उनकी जो रियल परफॉर्मेंस है, जिसको वो अपने एज ग्रुप में देना चाहिए, वो वहां ना देकर लोअर एज ग्रुप में देते हैं, जिससे लोअर एज ग्रुप में उनकी यह परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस बन जाती है। अब बात यह आती है कि ओवर एज खिलाड़ी का पता कैसे लगाएं। तो देखिए, सबसे पहले तो दो तरीके सभी लोगों को पता होता है जो हम लोग मीजर करते हैं। पहला, दांतों की संख्या के आधार पर मोलर और प्रीमोलर को छोड़कर बाकी के जो इंसाइजर कैनाइन और प्रीमोलर दांत है, मोलर को छोड़ दीजिए, इंसाइजर कैनाइन और प्रीमोलर, इन दांतों को गिनकर हम लोग 14 से 16 की उम्र का अंदाजा लगा सकते हैं। 14 की उम्र तक का अंदाजा यहां लग गया, 16 की उम्र का अंदाजा कैसे जाएगा? अंडर आर्म्स, साइड आर्म्स के बालों को देखकर हम लोग, या हथेलियों के ऊपर आए हुए, जिस तरह से कलाइयों के ऊपर आए हुए, या मैं कहूं फोर आर्म के ऊपर आए बालों को देखकर हम लोग मापन कर सकते हैं। लेकिन यह साइंटिफिक मापन नहीं होता है। कई बार कुछ बच्चों के अंदर अर्ली एज के अंदर टीथ ग्रो हो जाते हैं, या कुछ बच्चों के अंदर हार्मोनिकल चेंजेज की वजह से आर्म्स के ऊपर, फोर आर्म्स के ऊपर या रिस्ट तक बाल उग आते हैं, या हार्मोनिकल चेंजेज की वजह से हो जाता है, जो 100 में से 5 बच्चों के साथ होता है। बहुत से लोग इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठा देते हैं और वो इसकी साइंटिफिक जांच की मांग करते हैं। हमारे बहुत से शारीरिक शिक्षक साथियों को पता नहीं होता है कि साइंटिफिक जांच जब की जाती है तो उसके अंदर क्या किया जाता है। तो देखिए, उसके अंदर कुछ नहीं किया जाता है, सिंपल सा एक एक्सरे लिया जाता है। उस एक्सरे के आधार पर हम लोग बच्चे के जो ऑसिफिकेशन, ऑसिफिकेशन किसको कहते हैं, हड्डियों का आकार लेना। हड्डियां एक निश्चित उम्र के अनुसार ही आकार लेती है, यह फिजियोलॉजिकल ग्रोथ होती है, यह सभी के अंदर समान होती है। उम्र से पहले हड्डियां आकार नहीं लेती है और उम्र के बाद हड्डियां आकार नहीं लेती है। ऑसिफिकेशन उम्र के साथ साथ ही होता है। अब यह ऑसिफिकेशन क्या होता है? सबसे पहले रिस्ट का ऑसिफिकेशन होता है, उसके बाद पेल्विक यानी कंधों का ऑसिफिकेशन होता है, फिर क्लेविकल जो है वो ऑसिफाई होती है, और फिर पेक्टोरल जो है वह ऑसिफाई होता है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, हमें इन चीजों का ज्ञान होना चाहिए। अंडर 14 के बच्चे का सदैव रिस्ट एक्सरे किया जाता है। अगर रिस्ट एक्सरे में उसकी यहां पर जो मणिबंध रेखाएं होती हैं, ठीक है, जिन्हें हम लोग 8 हड्डियां कह देते हैं, सीजमोइड बोन कह देते हैं, ये अगर संख्या के अंदर ऑसिफाई हो चुकी है तो वह खिलाड़ी ओवर एज है। फिर 17 के खिलाड़ी के शोल्डर्स का ऑसिफिकेशन या ऑसिफाई लिया जाता है, एक्सरे लिया जाता है कि क्या ये ऑसिफाई हुई है, नहीं हुई है। अब इसके अंदर क्या क्या होता है, अगर ह्यूमस का क्लेविकल, अगर ह्यूमस का क्लेविकल के साथ कंप्लीट अटैचमेंट हो चुका है, अगर ह्यूमस क्लेविकल के साथ कंप्लीट अटैचमेंट है, तो इसका मतलब वो बच्चा जो है वह ओवर एज है। इसके बाद अंडर 22 का किस तरह से हम लोग एक्सरे लेते हैं, उसका क्लेविकल का एक्सरे लेते हैं। क्लेविकल अगर स्टर्नम के आसपास से पूरी कर्व खा रही है, क्लेविकल स्टर्नम के आसपास से पूरा कर्व खा रही है, तो वो बच्चा ओवर एज है। और उसके बाद 25 ईयर से ऊपर का हम लोग पेक्टोरल इसे कराते हैं, एक्सरे कराते हैं, जिसको हम लोग कूल्हे के जोड़ का ऐसे एक्सरे कह देते हैं। लेकिन यह कूल्हे के जोड़ से लेकर फीमोरल एक्सरे तक जाता है, मतलब फीमर हड्डी को भी इसमें शामिल किया जाता है। वस्तुतः इसमें फीमर हड्डी का ही आकार देखा जाता है। तो इन 4 एक्सरे के माध्यम से हम लोग बच्चे के अंडर 14, अंडर 17, अंडर 22 और अंडर 25 एज ग्रुप का सही मापन कर सकते हैं। प्राइमरी मापन किसके आधार पर करना है? दांतों के आधार पर, इंसाइजर कैनाइन और प्रीमोलर उसके अगर कंप्लीट है और उससे एक्स्ट्रा दांत उग रहे हैं तो वह ओवर एज है। लेकिन कई बार कुछ बच्चों के अंदर ग्रोथ जल्दी होने की वजह से, डेवलपमेंट जल्दी होने की वजह से एक दांत एक्स्ट्रा आ जाता है, तो आप उसको बाहर नहीं निकाल सकते हैं। दूसरा, हम लोग उसके अंडर आर्म्स और कुछ स्पेशल जो हाथों के ऊपर, हम लोग उसके बाल की कंडीशंस देखकर, अंडर आर्म्स की और बालों की कंडीशन फोर आर्म पर देखकर उसको ओवरेज करार दे सकते हैं। लेकिन ये साइंटिफिक वे ऑफ मेजरमेंट नहीं है, साइंटिफिक वे नहीं है मापन का, एज वेरिफिकेशन का। साइंटिफिक वे क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया, एक्सरे। अंडर 14 के लिए क्या करना है, रिस्ट एक्सरे। अंडर 17 के लिए क्या करना है, पेल्विक एक्सरे। अंडर 22 के लिए क्या करना है, क्लेविकल एक्सरे। और अंडर 25 के लिए पेक्टोरल एक्सरे करना है। इन सभी का ज्ञान हमारे साथी भाइयों को होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के आधार पर हम लोग एडवांस थॉट रख पाते हैं। बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।